हेलो एवरीवन, माय नेम इज अदनान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अदनान डॉग्स ट्रेनर। आज हमारे पास क्लाइंट काफी दूर से आए हैं और आपको उनके साथ बातचीत करवाते हैं। इन्होंने कहाँ से मेरा नंबर लिया है और कैसे मेरे कॉन्टेक्ट के साथ आए हैं, तो यहाँ पे अब उन्होंने डॉग ट्रेन करवाना है और इनसे सारी जानकारी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप सुनाए, कैसे? खैरियत से पहुंच गया? शुक्र है। और कितनी देर का सफर था? तकरीबन 3.5 घंटे का। 3.5 घंटे का सफर आपने तय किया। और आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया? आपका नंबर यूट्यूब चैनल से लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मतलब आपको थोड़ा इतना पता है कि मैं डॉग ट्रेन कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, आपकी वीडियो देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अब इनका डॉग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो मेरा ख्याल अभी 3.5-4 माह का है और वो आपको दिखाएंगे कि काफी, वो भी सफर तय करके आया, अभी काफी वीक है। देखे आओ भाई, छोड़ो। ये वो डॉग है जिसको हमने ट्रेन करना है। बहुत प्यारा डॉग है लेकिन ये अभी पार्वो की कंडीशन से निकला है तो ये काफी वीक है। इंशाल्लाह जब मैं इससे जाएगा काफी बेहतर हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता है कि वेदर बहुत ज्यादा गर्म है और उसमें डॉग डाइट वैसे ही कम देता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये बेहतर हो जाए और इसकी साथ साथ सारी ट्रेनिंग दिखाएंगे। सर, ये ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्या करता है? ये तो ये डोरी काट रहा है, ये देखते हैं ना। जी जी, ये तो डोरी को मुंह में डालता है। ये 2-3 इसने काट दिए, ये देखने आपके सामने। ठीक है, ये तो इसको ट्रेन करना है। 2-4 जैसे वो सभी कितने असिस्टेंट जो भी हैं, इनके बाइक के पीछे भागता और शलवार वगैरह जो भी चीज हो वो काट देता है, कहना नहीं मानता, नाम बुलाने से नहीं आता। ठीक है, ये प्रॉब्लम तब होती है जब हम डॉग को टाइम नहीं देते, उसका नाम नहीं लेते। अगर आप डॉग लेते हैं और वो बांधा रहता है या उसको केज में आप रख देते हैं तो ये प्रॉब्लम्स तब आती हैं। आपने उसके साथ टाइम स्पेंड करना है और मैं आपको ये भी डॉग को दिखाऊंगा, जब मैं इसको बोलूंगा सेट तो ये सिट भी करेगा। अभी उसको कुछ भी पता नहीं है तो ये मैं सारी वीडियोस में आपको आगे दिखाऊंगा। ये भी डॉग कितना ज्यादा सीख चुका होगा जब अपने ओनर के पास जाएगा और उनको क्या फायदा होगा, तो ये सारी चीजें दिखाने का और ये वीडियोस बनाने का मकसद मेरा ये है कि आपको ये थोड़ा नॉलेज हो सके। और कोई भी, अगर आपने भी अपने डॉग को ट्रेन करवाना है, अगर आप लाहौर से बाहर हैं तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम उनके लिए एक लहदा अरेंजमेंट भी किया हुआ है कि जैसे डॉग को रख सकते हैं, आप 3-4 माह के लिए ट्रेनिंग करवाएं और आपका डॉग आपको ट्रेन मिलेगा बेसिकली। लेकिन फिर भी अब जो बेसिकली कमांड है, अगर आप उसके साथ प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर डॉग कभी भी आपके साथ अटैच नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है कि बीच में आप भी वो कमांड, जैसे मैं करता हूँ, जैसे बोलता हूँ, आपने भी उसको कमांड देनी है। ये बहुत जरूरी है। सर, अब ये जो मैं आपसे भी बातें शेयर कर रहा हूँ ये भी आपने याद रखना है। इसी तरह मैं वीडियो आपको साथ अपडेट करता रहूंगा। आपने वो प्रैक्टिस भी करनी है, ये भूलना नहीं है। जो भी वीडियो होगी वो वीडियो आपने देखनी है और उसी तरह प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि अगर आप ट्रेन नहीं करते, डॉग के पास हाथ करते तो ये मुंह में डाल लेता है, या ये डॉग, ये डोरी को मुंह में डालने का भी इशू ये होता है कि आप बांधे रखते हैं, वो निकलने का चाहता है कि मैं इसको बाइक चला लूं, खेलूं, या उसने टूल पास करना हो, तो उस वजह से भी ये सारे मामला होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों पे गौर करें, आप इनको टाइम रखें कि इसको वॉक कैसे करवानी है, इसको लेके आना है, इसको फिर वो एंटरटेनमेंट जाती, इसकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है जब इससे काम लेते हैं। अगर ये बांधा रहेगा तो फिर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ये बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जरा नॉलेज हो। जी सर, आपको हमसे मिलके कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है भाई से मिलके। जैसे देखा था उससे बढ़ के अदरान भाई, माशाल्लाह बहुत इज्जत एहतराम किया अदरान भाई ने। हम साहिवाल से आए हैं, तकरीबन 3-3.5 घंटे का सफर है। यूट्यूब चैनल से देख के, इसकी वीडियो देख के यहाँ पहुँचे हैं। इसके साथ रबते में थे, इसने हमें गाइड किया, उसी तरह हम यहाँ पे पहुँचे। आगे देखते हैं कि ये किस तरह डॉग को ट्रेन करता है। जी, आपने सुना होगा, इन्होंने अभी बताया है। और बहुत शुक्रिया आप सबका भी, आप हमें इतनी इज्जत देते हैं और सारे प्यार के लिए। और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा जब मैं इसकी सारी ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा कि शेपर्ड को जब ट्रेनिंग करवाते हैं स्टार्टिंग में मुश्किल होती है, लेकिन आस्ता आस्ता दिन ब दिन जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो चेंज होना शुरू हो जाता है। ये बहुत जरूरी है। हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।